है इसको हम लोग, और छोटी सी भी कविता है लेकिन इसको समझना ज्यादा जरूरी। तो आइए हम इन्हीं के पोएट के बारे में पहले जानेंगे, फिर हम बात करेंगे कविता के बारे में। तो सबसे पहले हम शीर्षक जानें बच्चों, कविता का शीर्षक है फायर हिम। बच्चों फायर हिम का मतलब यदि समझा जाए, फायर हिम का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों फायर का मतलब आप जानते होंगे आग होता है, और हिम मतलब कोई सॉन्ग होता है ना, गान, यानी हम इसको अग्नि गान कह सकते हैं। ठीक है, अग्नि गान यानी ये अग्नि के लिए समर्पित एक गीत है, यानी फायर को डेडिकेटेड एक जो है पोएम है। और ये इसमें कह सकते हैं स्वाभाविक है, फायर की तारीफें की गई है, फायर की प्रशंसा की गई है कवि के द्वारा। कवि ने फायर के बारे में जो है कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें कही है, कहीं पर बुरा भी कहा है, कहीं पर अच्छा भी कहा है। तो दो एक्सपेक्ट्स को यहाँ पर जो है, दो नजरियों को रखा गया है कविता में कवि के द्वारा। तो आइए पहले हम जानते हैं इसके ऑथर जो है केकी एन दारोवाला, उनके बारे में है ना। तो इनके लेखक है बच्चों केकी एन दारोवाला। अब कितने लोगों को अक्सर ये लगता है, कितने बच्चों को, इनका नाम ऐसा क्यों है, नाम ऐसा क्यों है इनका, केकी एन दारोवाला क्यों नाम, टाइटल को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। तो मैं यहां पर आपको कह देना चाहूं कि दारोवाला जो है ये टाइटल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दारू बेचते थे या ऐसा कुछ करते थे। ये एक, जी बिल्कुल, ऐसा टाइटल होता है बाटली वाला या फिर कोई, मतलब एक अलग संप्रदाय से बिलोंग करते थे बच्चों। ये एक जोरोस्ट्रियन एक रिलीजन होता है, हिंदी में इसी को पारसी कहा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते थे, जोरोस्ट्रियन। ठीक है बच्चों, Zoroastrian, जोरोस्ट्रियन, इसको हिंदी में पारसी कहा जाता है। ये जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते थे, पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, और यही कारण है कि इसका ऐसा सरनेम है। और ये लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं हमारे देश में जो है, इंडिया में खास करके, ये बहुत ही कम लोग होते हैं, दे आर वेरी फ्यू, बिल्कुल बहुत ही, इनकी संख्या बहुत ही कम है ना। आपने बम्मन ईरानी का बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर है, उनका नाम सुना होगा, वो भी पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। जी निशु, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम इसके बारे में पहले जानते हैं, कवि के बारे में, लेखक के बारे में कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो केकी एन दारोवाला, इनका जन्म जो था 1937 में हुआ था, 1937 में इनका जन्म हुआ था। जी 1937 में इनका जन्म हुआ। तो लिखा जा रहा है यहां पर कि केकी एन दारोवाला वॉज बोर्न इन 1937, द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1984 में। ये भी चीज जो है नोटेबल होगी है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला, तो 1984 में, 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इसके बाद लिखा जाता है कि एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, इन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। ये सब साहित्य के क्षेत्र में होता है, यहां पर देख ही रहे आप लोग नाम भी, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, यानी पोएट्री के लिए इन्हें अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, सम्मान मिला है ना, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। इज ए लैंडस्केप पोएट, ये जो है किसी दृश्य का वर्णन करने में माहिर है ना। लैंडस्केप मतलब क्या होता है बच्चों, एल ए एन डी एस सी ए पी, लैंडस्केप का मतलब होता है दृश्य। ठीक है, ये किसी दृश्य का वर्णन करने में, इनको लैंडस्केप पोएट कहा जाता है, ये किसी दृश्य का वर्णन करने में माहिर है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है किसी दृश्य का वर्णन करते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि इस कविता में जो दृश्य, जिस दृश्य का वर्णन हुआ है, वो कुछ और नहीं बल्कि एक बर्निंग घाट है, शमशान घाट है, उसी दृश्य का वर्णन जो है कवि ने किया है। बर्निंग घाट, एक बर्निंग घाट का यहां पर जो है इसमें दृश्य उसका दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस एंड वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, सिर्फ पोएट ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। तो ये भी चीजें नोटेबल होंगी, शॉर्ट स्टोरीज है ना, पोएम के अलावा इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। शॉर्ट स्टोरी समझते होंगे लघु कथाएं, छोटी छोटी कहानियां
है ना, छोटी छोटी कहानियां भी इन्होंने बहुत सारी लिखी। हिज पोएट्री इज इन हिज ऑन वर्ड्स ए टोटली इंप्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस, यानी इनकी जो पोएट्री होती है किसी खास मुद्दे को लेकर, सामाजिक मुद्दे को लेकर, या इनका एक अपना व्यक्तिगत विचार होता है जो किसी विषय को लेकर देते हैं ये। इनकी कविताओं में इनकी व्यक्तिगत राय, इनके व्यक्तिगत विचार प्रकट होते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। He claims his poems to be rooted in the rural landscape and hence earthy. मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये कहते हैं अक्षर, इनका एक दावा होता है, क्लेम करना मतलब दावा करना होता है, CLAIM, क्लेम मतलब होता है दावा करना, ठीक है, दावा करना, कि वे दावा करते हैं कि हमारा जो जितना भी पोएम है वो रूरल लैंडस्केप को दिखाता है। रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण, RURAL, रूरल, देहाती या ग्रामीण कहते हैं इसको, ठीक है। ये कहते हैं कि मेरी जितनी भी कविताएं हैं उसमें रूरल लैंडस्केप को डिस्क्राइब किया गया है, यानी ग्रामीण दृश्य का चित्रण किया गया है, और यही कारण है कि इनके कविताएं मिट्टी से जुड़ी हुई है, मतलब क्या, आम लोगों के जनजीवन से जुड़ी हुई। ही सन्स सोफिस्टिकेशन, मतलब वो दूर रहते हैं सोफिस्टिकेशन से, यानी जो ज्यादा संवेदनशील मुद्दे होते हैं उनसे दूर रहते हैं। एज ही थिंक्स दैट इट व्हाइल एडिंग ग्लॉस टेक्स्ट अवे द पावर ऑफ वर्ड्स, यानी इनका मानना है कि यदि कुछ इमेजिनेशन करी जाए, कल्पना की जाए, यानी इनकी कविताएं रियलिस्टिक होती हैं, ऐसा ये कहते हैं, ये खुद पोएट कहते हैं कि मेरी कविताएं जितनी भी हैं वो रियलिस्टिक हैं, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जीवन की वास्तविकता से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये इनका मानना है यदि कविता में इमेजिनेशन को ऐड कर दिया जाए तो उसकी जो है एक जो ग्लॉसनेस है, ग्लॉसी जो है वो खत्म हो जाती है, या पावर उसका जो है वर्ष का, कविता का प्रभाव जो है, इफेक्ट उसका खत्म हो जाता है। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, इनकी कविताओं का जो थीम होता है, लव प्रेम हो गया, डेथ मृत्यु, डोमिनेशन यानी किसी का प्रभाव हावी हो जाना किसी पर, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, यानी इंसान की जो दुर्दशा होती है, प्लाइट का मतलब दुर्दशा होता है, PLIGHT, प्लाइट, दुर्दशा, यानी मानव की दुर्दशा उसका भी चित्रण किया गया है। वायलेंस, कहीं ना कहीं हिंसा भी देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। He writes with intensity and vigor involved in poetic creation since he had been in police service. उन्होंने पुलिस के तौर पर भी सेवा करी थी। Violence is unavoidable in his poetry. और यही कारण है कि वे अक्सर वायलेंस के जरिए या फिर वायलेंस को उन्होंने अपनी आंखों से करीब से देखा, इस कारण से उनकी कविताओं में वायलेंस भी देखने को मिलता है। वायलेंस जान लीजिए क्या होता है, मैं बार बार वायलेंस वायलेंस कर रहा हूँ, VIOLENCE, वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा, ठीक है, हिंसा। और इनकी यहां पर कुछ कविताओं की बातें करी गई है। हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, यानी कुछ किताबें हैं जो कि जो जिसमें कविताओं का संग्रह है, उसमें से अंडर ओरियन है, अपैरिशन इन अप्रैल है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है, ये तीनों इनकी जो है कविताएं जी। अपैरिशन मतलब भूत प्रेत होता है जी। तीन, अंडर ओरियन पहला वर्क है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चों याद रख सकते हैं आप, अंडर ओरियन। दूसरा वर्क है इनका अपैरिशन इन अप्रैल, APPARITION, अपैरिशन इन अप्रैल, ये दूसरा वर्क है। और इनका तीसरा वर्क है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। चलिए अब समझते हैं इसकी कविता को, इसके टेक्स्ट को, ठीक है। हाँ, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाउ हैज फायर इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन लाइफ, यानी आग ने इंसान के जीवन को कैसे बदला है, किस तरह से प्रभावित किया है। हम सभी जानते हैं कि आग का रोल हमारे जीवन में कितना अहम है, इम्पोर्टेंस है, और जब हम भोजन नहीं भी पकाकर खाते थे तब भी जो है इनका हम प्रयोग करते थे अपनी सुरक्षा के लिए, आपने पढ़ा होगा, है ना जी, जो एक चैप्टर है आपका उसमें हमने आपको बताया भी है जी, जो वो ना एक चैप्टर रहेगा ना, आइडियाज दैट आई हैव मेन काइंड, उसमें मैंने आपको बताया था ना किस तरह से हमारे जीवन में आग हमारे महत्वपूर्ण हिस्सा था, पुराने जमाने में भी, प्राचीन समय में भी जी। अब हम बात करते हैं कविता की टेक्स्ट की। द बर्निंग
घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, यानी जो बर्निंग घाट है, शमशान घाट है, वो फॉस्फोरेसेंस फॉस्फोरस की तरह जो है महक रही थी, उसका जो गंध था फॉस्फोरस की तरह था। अब समझ सकते हैं फॉस्फोरस की तरह गंध क्यों होगा, क्योंकि वहां पर हड्डियां जल रही होती है और हड्डियों में कहा जाता है फॉस्फोरस पाया जाता है, स्वाभाविक है, तो वहां पर फॉस्फोरस जैसी कोई बदबू या सुगंध जो है उसका होना जायज है। एंड वॉन्डरिंग गोस्ट लाइक्स फ्राइटेंड पासर्स बाय, मतलब वहां से जो लोग गुजरते थे वो डर जाते थे, उन्हें ऐसा लगता था मानो कि वॉन्डरिंग गोस्ट, गोस्ट मतलब भूत होता है, GHOST गोस्ट भूत, हाँ जी भूत, सबसे इतना डर लगता है हम लोग, चूंकि अब पता नहीं है कहां तक सच है, भ्रम है एक तरह से, या फिर हो सकती है कहीं ना कहीं सच्चाई भी हो, मैं ज्यादा इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वांडरिंग गोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय, मतलब वहां की जो लाइटें थी, जो रोशनी थी, चूंकि शमशान घाट थी वहां पर जलता है तो लाश, वैसे भी वो डरावना एक दृश्य होता है जब मनुष्य को जलाया जाए, चाहे मरने के बाद ही क्यों ना, लेकिन एक मन में एक अजीब सी एक जो है डर पैदा हो जाती है। एज मून लाइट स्कैटर्ड अमंग द बोन्स, यानी जब उस पर, और स्वाभाविक है जलने के बाद कुछ हड्डियां बच जाती हैं शरीर की, हड्डियां जल्दी नहीं जलती, खास करके खोपड़ी की हड्डी वो बहुत ज्यादा बच जाती है, तो वो छितरा हुआ था, वो फैला हुआ था बर्निंग घाट में, शमशान घाट में, यानी हड्डियां फैली हुई थी, और रात्रि के समय में मून लाइट चंद्रमा की रोशनी में वो हड्डियां दिख रही थी उस पर जो रोशनी पड़ रही थी। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर एंड घाट, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, यानी वो हड्डियां छितर रही थी, हर जगह पड़ी हुई थी हड्डियां आसपास, चाहे वो नदी के किनारे के पास हो, है ना। We saw embers losing their cruel redness. यानी मैंने embers, ember मतलब होता है जो जो अंगारा होता है, आग, है ना। We saw embers, और खास करके जब कोयले को आपने जलते हुए देखा होगा, जो अपने पीक पॉइंट पर होता है पूरा लाल हो जाता है रेड, उसी को एम्बर कहा जाता है। तो we saw embers losing their cruel redness, मतलब मैंने उसको अपनी रेडनेस को खोते हुए देखा, cruel redness, cruel कहा गया जी, यानी एक निर्दयी, स्वाभाविक है वो इतना होता है उसमें कुछ भी डाल दीजिए वो जल जाएगा, तो इसीलिए उसको क्रूएल कहा गया है, यानी जो उस एम्बर को, उस आग के एम्बर को जो है, फायर के एम्बर को इन्होंने क्रूएल कहा है। टू द ग्रे एस दैट स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, मतलब कह रहा है कि वो भूरे कलर का, या जो है एस, एस मतलब राख होता है, ए एस एच, एस मतलब राख, यानी भूरे कलर का वो राख जो हर चीज स्वेलो कर लेता है, निगल जाता है, हर चीज अपने अंदर समा लेता है। Half cooked limbs, limb मतलब होता है body part, शरीर के अंग, limb, limb, half cooked limbs, आधे जले हुए जो शरीर के अंग थे वो दिख रहे थे। अब देखिए, bore witness to the fire debauchery, fire's debauchery, debauchery मतलब होता है धोखेबाजी, दगाबाजी, तो फायर की डिबॉचरी का एक साक्ष्य था, एक प्रमाण था, एक सबूत था, जो वो आधे जलाकर जो उसके बॉडी के पार्ट्स जो है पड़े हुए थे। आगे बढ़े, माय फादर सेड, अब देखिए स्पीकर जो है इस कविता के, उसके पिताजी ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुम देख रहे हो ना वो आधी जली जली अंगुलियां, एंड बोन स्टब्स, और वो हड्डियां, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, यानी फायर जो है, या आग जो है, अपने डेड को, अपने मृत शरीर को, जिसका काम है, जिसको जलाना इसका काम है, वो भूल जाते हैं। ए जोरोस्ट्रियन आई, अब देखिए यहां पर कवि ने अपने धर्म के बारे में बताया है, मैं बच्चों बहुत ही खास बात बता दूं इस धर्म के बारे में, इस रिलीजन के बारे में, जोरोस्ट्रियन एक रिलीजन होता है, पारसी धर्म, आपने अलग अलग धर्म के बारे में नाम तो सुना ही होगा, तो जोरोस्ट्रियन रिलीजन का एक खास नियम है कि ये लोग जो है, ये लोग अपने जो परिवार होते हैं, जिनका भी डेथ होता है, वो लोग जलाते नहीं है अपने डेथ बॉडी को, सब को जलाते नहीं है और ना ही दफनाते हैं, ये अपने जो भी उसके डेथ बॉडीज होते हैं उन्हें क्या करते हैं, इनका एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, टावर ऑफ साइलेंस, याद रखिएगा कि जोरोस्ट्रियन रिलीजन के जो लोग होते हैं, टावर ऑफ साइलेंस जो है उसी पर जाकर उस डेथ बॉडी को छोड़ देते हैं, मतलब उसकी छत पर जाकर, टावर ऑफ साइलेंस की छत पर जाकर उस डेथ बॉडी को छोड़ दिया जाता है, और वहां पर चील कौवे खाते हैं उसको, चील खाते हैं, और इन्हें ऐसा इसीलिए इन्हें ये लोग करते हैं कि शायद इन्हें लगता है कि
चीप जो है इनका जो है गॉड है एक तरह से उनका, लाइक किसी के काम तो आता है कम से कम ये ह्यूमन बॉडी मरने के बाद, है ना, ऐसा इन्हें इनका एक पता नहीं व्यक्तिगत सोच इनकी ऐसी है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा किसी धर्म विशेष के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा होता है, जान लीजिए ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन में, पारसी धर्म में क्या होता है कि डेथ बॉडी को ना ही बरी किया जाता है, दफन किया जाता है, और ना ही इसको जलाया जाता है। इसको बस टावर ऑफ साइलेंस, जिसको हिंदी में दखमा कहा जाता है, जी हम हिंदी में इसको दखमा कहते हैं जी, तो वहीं जाकर इसको क्या कर दिया जाता है, उसकी छत पर छोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं कि ए ज़ोरोस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंज्ड, मेरी जो है कांप उठी अंगुलियां, मेरे बचपन की अंगुलियां छोटी छोटी जो है वो कांप उठी उस दृश्य को देखकर, या इन बातों को सुनकर मेरे पिताजी ने जो कही। Into a little knot of pain, मतलब मुझे थोड़ी सी दर्द महसूस हुई। I swore to save fire, और मैंने कसम खाई to save fire, आग को बचाने की, from the sin of forgetfulness, इस भुलक्कड़पन की बीमारी से उसको बचाने की कसम खाई। forgetfulness, forget मतलब भूलना होता है, forgetful मतलब भुलक्कड़, और forgetfulness मतलब हो गया भुलक्कड़पन। आप इस वर्ड को देख सकते हैं, forgetfulness, forgetfulness। आगे बढ़े, it never forgot, कह रहे कि यह कभी नहीं भूला, and 20 years since, 20 साल हो चुके, as I consigned my first born to the flames, मतलब consign मतलब सौंपना होता है, जैसा कि मैंने अपने पहले बच्चे को जो है सौंप दिया to the flames, आग को सौंप दिया। The nearest tower of silence was 1,000 miles. मतलब जो नजदीकी जो tower of silence था, जहां ये लोग अपने body को रखते हैं, वो बहुत ही दूर था, 1,000 miles. मतलब हजारों मील दूर था। इसी कारण से इन्हें मजबूरी बस कह सकते हैं, है ना? The fire hymns. मैं मजबूरी बस इन्हें अपने बेटे को जलाना पड़ा, जिनकी बेटे की डेथ हो गई। तो the fire hymn said to me, fire hymn ने मुझसे कहा, you stand forgiven. मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम्हें माफ किया जाता है। Broken yet rebellious, I swore this time. और मैं इस बार टूट गया अंदर से, स्वाभाविक है अंदर से टूट चुके होंगे जब इनके बेटे की डेथ हुई होगी। I swore this time, मैंने इस बार कसम खाई, to save it from the sin of forgiving. दो बार इन्होंने कसम खाई इस कविता में, इन्हें forgiving के sin से इन्हें बचाने की कसम खाई। तो ये है बच्चों कविता, आपने देखा इसमें कुछ खास विशेष तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है जो कि हमें इसमें सीखने को मिलता है जी। तो आइए हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि करके शायद हमारा जो है पॉइंट क्लियर हो पाए, पढ़ाया हुआ थोड़ा सफल हो पाए। तो आइए एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा, फायर हिम, फायर हिम के ऑथर के बारे में आप जान ही गए जी। इसके ऑथर कौन है? के की एन दारूवाला, है ना बच्चों जी। और हम इसके पोएट के बारे में बात कर ही लिए, तो आगे बढ़ते हैं। के की एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, कब मिला इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड? मैंने आपको बताया कब मिला, 1984 में ना, हाँ 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। दूसरा क्वेश्चन यही था। तीसरा है कि दारूवाला हैज बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज, पोएट के अलावा और क्या थे? पोएट के अलावा एक वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, है ना, छोटी छोटी कहानियां भी उन्होंने बहुत सारी लिखी। आगे की द थीम ऑफ दारूवाला पोएम कंसिस्ट, उनकी कविताओं का थीम क्या होता है? उनकी कविताओं का थीम आपने देखा होगा, हमने बताया आपको, लव, डेथ, वायलेंस, ह्यूमन प्लाइट, है ना, ये सब जी, सिनिसिज्म, डोमिनेशन, ये सब इसका थीम होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो दारूवाला पोएम्स टोटली कैसी होती है उनकी कविताएं? इंप्रेशनिस्टिक होती है, मैंने बताया ना आपको, इंप्रेशनिस्टिक, यानी इनका एक अपना प्रभाव रह जाता है रीडर्स पर, जो भी इनकी कविताओं को पढ़ते हैं उन पर एक प्रभाव सा बन जाता है कवि के अपने व्यक्तिगत विचार का। फायर हिम डील्स विथ, किसके बारे में बात करता है इस कविता में, किसके बारे में बात की गई है? तो बर्निंग घाट के बारे में बात की गई है, नहीं, फायर हिम डील्स विथ
बर्निंग हार्ट, द लैंडस्केप ऑफ अ बर्निंग हार्ट या डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बर्निंग हार्ट, है ना, शमशान घाट की दृश्य का वर्णन। द टर्म डिबॉचरी, डिबॉचरी का मतलब क्या होता है, D-E-B-A-U-C-H-E-R-Y, देख सकते हैं इस वर्ड को आप, D-E-B-A-U-C-H-E-R-Y, डिबॉचरी। टर्म डिबॉचरी का मतलब क्या होता है, मोरल बिहेवियर, जी नहीं, डिसगस्टिंग बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर हो जाएगा, अनैतिक व्यवहार, इमोरल बिहेवियर, ठीक है, अनैतिक व्यवहार इसका मतलब होता है, इमोरल बिहेवियर, इमोरल शब्द समझते ही होंगे, अनैतिक बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है ना, बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर। आगे बढ़े तो जैसे द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर स्टैंड्स फॉर, यानी जोरोस्ट्रियन टर्म का मतलब क्या है पोएम में, तो पारसी है, मैंने बताया आपको रिलीजन, एक रिलीजन का नाम है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम, जो नजदीकी दखमा था, टावर ऑफ साइलेंस था, कितनी दूर था, तो ये था 8,000 miles, 1,000 miles, है ना, 1,000 miles। The speaker in the poem firing spears, वो शपथ लेते हैं कितनी बार, दो बार लेते हैं, मैंने बताया ना, दो बार शपथ लेते हैं, एक बार forgetfulness से बचाने के लिए, दूसरा forgiveness से बचाने के लिए, जी। The redness of the fire appears, कैसा लगता है उनको, जो फायर की जो रेडनेस है कैसा उनको प्रतीत होता है, फायर की रेडनेस उन्हें क्रूएल लगती है ना, क्रूएल, निर्दयी। Dash years back, author consigned his first child to the flames. कितने साल पहले उन्होंने अपने बेटे को, पहले बेटे को उन्होंने आग में जलाया था, अग्नि को सौंपा था, तो 20 साल पहले हो जाएगा, 20 years ago, है ना? The passers by got, यानी जो वहां से गुजरते थे बर्निंग घाट, यानी शमशान घाट के बगल से, वो उन्हें कैसा फील होता था, they got frightened हो जाएगा, है ना, वे डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, है ना? I swore to save fire from the dash of forgetfulness, from the sin of forgetfulness. Sin मतलब पाप होता है, S-I-N, sin मतलब पाप, यानी forgetfulness के sin से बचाने की शपथ लेते हैं, कसम खाते। आगे बढ़े तो the second time speaker swore to save the fire, दूसरी बार शपथ लेते हैं किस चीज से बचाने की, तो हो जाएगा दूसरी बार शपथ लेते हैं forgiving से बचाने की, forgiving यानी क्षमाशील का जो है। The born child was consigned to fire under, यानी उस बच्चे को जो जलाया गया था या सौंपा गया था आग को, कि अंडर कैसे, खुशी से, ड्यूटी के कारण, रिलीजन के कारण, नहीं, ये कंपल्सन यानी दबाव में आकर, मजबूरी में, विवस्तावश, ठीक है, कंपल्सन, C-O-M-P-U-L-S-I-O-N, कंपल्सन, विवस्ता में जो है ऐसा किया गया था। द स्पीकर कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड, हो जाएगा ना, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, पहले जन्मे बच्चे को उन्होंने आग को सौंपा था, क्योंकि उनकी डेथ हो गई होगी किसी कारणवश। वेयर इज बर्निंग घाट लोकेटेड, बर्निंग घाट कहां पर है, वो शमशान घाट कहां पर है, एट द रिवर ऑफ, एट द बैंक ऑफ रिवर होगा ना, उल्टा हो गया, एट द बैंक ऑफ रिवर हो जाएगा, रिवर ऑफ बैंक हो गया है, एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे है वो एक अवस्थित। A dash I, my child fingers clenched. ये जोरोस्ट्रियन हो जाएगा, ये कविता का एक लाइन है, आपने सुना होगा, मैं जब पढ़ा था। The grey ash that swallow, है ना, सब कुछ निगल जाता है। They swallowed all. C हो जाएगा इसका आंसर, swallowed all, जो सब कुछ निगल जाता है। Swallow मतलब निगलना होता है। The घाट is littered with, किससे पूरा छिद्रा हुआ था, कहाँ फैला हुआ था, सब कुछ वहां पर, बर्निंग घाट में क्या रहता है, शमशान घाट में हड्डियां रहती है, स्वाभाविक है, हड्डियां जो जल नहीं पाती। उसके बाद है द फायर एट टाइम्स फॉरगेट हो जाएगा, ये भी लाइन है, फॉरगेट इट्स डीड, अपने काम को भूल जाता है, या फॉरगेट इट्स डेड, अपने डेड बॉडी को भूल जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड बॉडी कीपिंग प्लेस ऑफ जोरोस्ट्रियन, जोरोस्ट्रियन के मृत शरीर रखने का जगह क्या है, इसमें से आपको बताया ना मैंने कि जो जोरोस्ट्रियन लोग होते हैं टावर ऑफ साइलेंस की छत पे डेड बॉडी को छोड़ देते हैं, उसको कौवे चील वगैरह खाते हैं उसको, उस डेड बॉडी को, पता नहीं हमने बताया ऐसा क्यों करते हैं, वो तो उनकी अपनी मान्यता है। द वांडरिंग गोस्ट लाइक्स फ्राइटेंड हो जाएगा, अगेन यहां पर लाइन जो है लिया गया है, फ्राइटेंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क इज नॉट बाय दारोवाला, दारोवाला के द्वारा मैंने तीन आपको कविताएं बताई, तीन बुक का नाम बताया, अंडर ओरियन, अपैरिशन इन अप्रैल, अपैरिशन मतलब प्रेत होता है, भूत प्रेत, है ना, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स यानी नदियों का पार करना, यहाँ पर जो है तीनों इनका जो है एक वर्क है, इसके अलावा जो नहीं होगा तो यहाँ पर लीव्स ऑफ ग्रास नहीं होगा इसका।
With whom was the poet passing by the cremation ghat? वो किनके साथ जा रहे थे शमशान घाट से होकर किसके साथ गुजर रहे थे? क्रिमेशन मतलब दाह संस्कार भी होता है. क्रिमेशन बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, हम यूज भी करते हैं. क्रिमेशन, क्रिमेशन यानी दाह संस्कार या अंतिम संस्कार इसको कहा जाता है. तो किसके साथ थे? वो पिताजी के साथ थे अपने, है ना, फादर. Who forgets its deed? कौन अपने काम को भूल जाता है? Because sometimes it leaves the dead body half burned. Fire, आग भूल जाता है अपने काम को. और the poet sees the red hot, क्या देखता है वो? Embers देखता है, अंगारे, है ना, जो आग की लौज होती है लाल लाल. और आखिरी दो questions हैं. The cremation of dead bodies in किस धर्म में थोड़ा अलग होता है? तो पारसी धर्म में अलग होता है, Zoroastrian religion में अलग होता है जी. और एक लास्ट एक दारू वाला इज एन, कहाँ के पोएट है वो? तो इंडो एंग्लियन हो जाएगा, इंडो एंग्लियन पोएट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. चलिए ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं.